गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही हासिल होता है इस जहां में सब कुछ, इन हाथों की लकीरों में भला रखा क्या है। मेहनत करिए, कोशिश करिए, सब कुछ हासिल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई क्लास, संख्याओं के घनमूल को घात रूप में लिखना। जी हाँ, संख्याओं के घनमूल को घात रूप में कैसे लिखते हैं? कोई भी संख्या वर्गमूल या घनमूल में लिखी गई है तो क्या आप उसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं? ये कितना सही है कितना गलत है ये हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। आप सभी जानते हो कि घातांक के गुणा के नियम से एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इक्वल एम प्लस एन हो जाता है एक्स की पावर, जहाँ पर एक्स इक्वल रेशनल नंबर, एम तथा एन इच इंटीजर अर्थात पूर्णांक संख्याएँ हैं। तो अब हम आपसे अगर कहें, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कि अंडर रूट 16 लिखा है, ये दोनों में अंतर बताना, ये लिखा है 16 और ये लिखा है 16, दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, है ना। एक वर्गमूल का चिन्ह है और दूसरा क्या है, घनमूल का चिन्ह है। अब दोनों का मतलब मैं आपको बता दूँ तो ध्यान देना, दोनों का मतलब जो है अलग अलग है। इसका तो सीधा सीधा 4 हो जाएगा बट इसका नहीं होगा, तो इसको तो यहीं पे छोड़ दो, जाने दो, अभी पहले टॉपिक देखना। और हाँ, अगर समझना है तो क्लास को पूरा देखना, भागना मत, समझ में आएगा ये हमारी गारंटी होगी, लेकिन अगर बीच में क्लास छोड़ दोगे या स्किप कर दोगे तो पक्का ना आएगा। चूँकि आप जानते हो अंडर रूट 16 बराबर 4 होता है ना, अतः आप एक काम कर सकते हो, वो क्या है कि अंडर रूट 16 को अगर अंडर रूट 16 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। लेकिन कैसे आएगा ध्यान देना, 16 कैसे आएगा, इसका वर्गमूल 4 आएगा ना, नीचे कर दूं, नहीं आगे सही रहेगा, इसका 4 होगा ना, एक का दूसरे का भी क्या होगा, 4 होगा यानी 4 होगा, इक्वल 16 आया ना। अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि जो अंडर रूट लगा होता है वर्गमूल, उसकी जगह पर हम घात 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 16 की पावर हम इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/2 लिखा हूँ, ध्यान देना मुँह से तो बोल रहा हूँ ना, और इंटू ये 16 का पावर 1/2 इक्वल क्या होगा, ध्यान देना, गौर फरमाना, ये हो जाएगा 16 का पावर, आप जानते हो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 धन 1/2, एकदम टेंशन मुक्त होकर समझना। फिर 16 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो क्या होगा मालूम है आपको, 4 ना होगा, अरे भाई आधा आधा जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 में 1/2 जोड़ोगे 1 आएगा फाइनल में, तो ये हो जाएगा 1, और कुल मिला के आप इसे क्या लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो। यानी कि यहाँ से एक बात तो सिद्ध हो गई कि अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 16 जब हमने किया था उसका मान भी 16 आया था, और जब हमने 16 की पावर 1/2 इंटू 16 यानी कि 16 की पावर 1/2 किया तो इसका मान भी फाइनल में 16 आया ना। तो अभी आगे भी देखते जाना, इसमें कुछ स्टेप और भी दिए गए हैं। अब अगर हम आपको बोलें, यहाँ पर नीचे देखना, वो क्या है नीचे देखना, यहाँ हम एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम और क्या, हम घात को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं 16 की पावर में, 1/2 देखो 2 बार है ना, तो इसको आप 1/2 और कोष्ठक बंद करके बाहर में स्क्वायर लगा सकते हो, इसका मतलब भी वही हुआ जो अभी आप देख रहे थे, ठीक है। ये देखो इसकी घात है 16 की बराबर, तब भी 16 ही आएगा। यानी कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे आप ये लाइन लिखो, चाहे ये लाइन लिखो, चाहे ये लाइन लिखो, तीनों का मतलब एक ही हुआ, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ना, समझ में आया ना। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज करना, एकदम क्लियर दिखेगा, बहुत मस्त दिखेगा, तो इसको जल्दी नोट करिए या फिर वीडियो का स्क्रीन शॉट करिए, जल्दी करिए। हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए अब देखिए, 1/16 की घात 1/2 बराबर 16 का वर्गमूल, ध्यान देना, हो गया इतना। देखिए जो लोग नहीं लिखे वीडियो को पीछे करके वो स्क्रीनशॉट ले लें, तुरंत वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे देखें,
इसी में आगे देखिए, अतः अब हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे अभी आपने देखा, इसको आप लोग मत लिखना चूंकि आप लिखे हो कि 16 की पावर 1/2 है ना, इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 16 लिखोगे ना, 16 लिखोगे, ये यही तो होगा ना। अरे जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1/2 हमने अंडर रूट की जगह पे लगाया है, इसे आप अंडर रूट 16 का स्क्वायर कर लो, तब भी तो 16 ही लिखोगे, लिखोगे ना, मतलब सब एक है हुआ, ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा ये वही है, ये जो लिखा ये भी वही है, क्योंकि अंडर रूट की जगह पे आप 1/2 लिख सकते हो, और अगर क्यूब लगा है तो 1/3 लिखोगे, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए उसके नीचे, हो गया। तो अब हम आपको क्या दिखाने वाले हैं कि 16 की पावर 1/2 बराबर 16 का वर्गमूल, नीचे लिखें, 16 की पावर 1/2 बराबर 16 का वर्गमूल इक्वल क्या होगा, 4, हो गया ना, इतना जल्दी नोट करिए। देखिए, हम एक एक पॉइंट आपको नोट करवाते हैं, आप थोड़ा फास्ट लिखोगे ना तो टाइम भी होता है आपको पूरा लिखने का, छाप सकते हो आप एक एक पॉइंट। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, देखिए वो मिस्टर थोड़ा वेट कर रहे हैं, हम कमेंट्स का रिप्लाई यहाँ नहीं करने वाले हैं, ठीक ना, क्लियर। इसी तरह से अगर हम आपको एक दूसरा एग्जांपल बता दें, ये तो हो गया 16 का, 16 एक चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या थी इसलिए आपको कोई इशू नहीं हुआ, आप पूर्ण वर्ग थी इसलिए कर लिए ना सीधा सीधा। लेकिन अगर 27 आ जाए, एक पूर्ण घन संख्या, इसका पावर 1/2 कुछ ऐसे दिया है ना, ओके, इंटू 27 की पावर 1/2, इसे आप क्या करोगे, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा 27 की पावर क्या हो जाएगी, 1 इक्वल 27। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है मालूम है, यहाँ से एक बात मिल रही है कि √27 × √27 करोगे तो 27 आएगा, ठीक, नोट करते जाइए फटाफट, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना तुरंत। एक बात आप ध्यान देना, ये मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि संख्याओं के घनमूल को घात रूप में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर एक एक कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो कहीं भी भूलोगे नहीं लाइफ में, आगे देखना। अब ये चूंकि दो बार है ना, दो बार है, तो इसे आप 27 की पावर 1/2 इसका स्क्वायर कर सकते हो, इसका मान भी वही आएगा, 27 ही आएगा, ठीक, क्लियर। अब इसे आप एक काम कर सकते हो, वो कौन सा काम है, वो ये काम है कि 27 की पावर 1/2 इक्वल √27 कर सकते हो। हमने काहे किया, चूंकि इधर स्क्वायर लगा था, जब अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, और फाइनल में अंडर रूट जब 27 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 × √3 आएगा। बात समझ में आई ना, आई समझ में, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई लफड़ा लग रहा है तो बता देना, ठीक ना, बात समझ में आई, ये इसके बराबर ही था। ये तो हो गया भाई, आपने देख लिया स्क्वायर वाला कैसे कैसे चलता है, क्या क्या उसका सिस्टम होता है। लेकिन अभी हम 3 घात की बात नहीं किए क्यूब का, अब उसकी बात करेंगे। उसकी बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे साथियों, इसी क्लास के माध्यम से, हमारी इस क्लास में 1000 लोग अभी कम से कम इसको हाल ही में देख लेंगे, उसके बाद इसको 1000 से लाखों लोग देखेंगे, मिलियन लोग देखेंगे, ये हमें यकीन है। इस समय आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जो कि हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उसी क्रम में पानी, वाटर के बहुमूल्य सामग्री है, जिसके न होने से धरती पर कोई प्रकार का कार्य संभव नहीं है, पानी, कृपया उसे बचाएं और बिजली को बचाएं। हम देखते हैं प्रयागराज में आसपास कुछ ऐसे नल हैं, ऐसे टोटियां हैं, ऐसे पाइपें हैं, सीवर लाइनें हैं, जो भी लगातार वो बहता रहता है, प्रयागराज की जो भी जलकर्मी हो सो रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने एक दो कंप्लेन भी किया, एक दो जगह की, आप लोग कृपया ऐसी जगहों का जहाँ तक भरसक हो सके उसका कंप्लेन करने से ज़्यादा उसको बंद करने की कोशिश करें, खुद से बंद करें, ठीक ना। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं, देखना, टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन जो बीच बीच में बातें करते हैं उसको भी अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। अब आप अपने विचारों को कमेंट करके बताना, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या भारत देश में जो नौकरी का मतलब है सरकारी नौकरी सिर्फ घूस पात लेना,
इतना ही मतलब होता है? आखिर भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए इसलिए परेशान रहते हो क्या? अब जो जल कर्मी हो गए हैं वो आराम से सो रहे हैं, आराम से ऑफिस में बैठे हैं, प्यार से कहीं बह रहा है, कुछ नाश हो रहा है, उनसे क्या मतलब है? तो ये प्रॉब्लम है ना देश की। सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। तो लोग कहते हैं प्राइवेट करने से गड़बड़ हो रहा है, प्राइवेट होना आवश्यक है। सब जग जाते हैं प्राइवेट होने पर, उनके पता होता है कल डंडा पड़ेगा, निकाल दिया जाऊँगा। सरकारी होता भाई कौन हटा सकता है, मैं तो आयोग से आया हूँ, है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको बताया वर्ग वाला ना, अब देखो तीन घात वाला है, इसका क्या सिस्टम चलेगा पहले तो इसको आप नोट कर लो फटाफट, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। हो गया नोट? नोट हो गया ना। तो अब गुणा करने पर चूंकि घातें जुड़ जाती हैं, इसे आप कर सकते हो 27 का पावर 1/3 और +1/3 और +1/3। क्या होगा मालूम है आपको? कुछ ना होगा जी, वही जो मंजूर है खुदा होगा। ये कुल मिला के 27 आएगा। कैसे आएगा? कुछ लोग बड़ा टेंशन में हो गए होंगे, जो ऊपर घात लग रही 1/3 1/3 और 1/3 ना, इसको देखो नीचे का हर सब बराबर है, तो ये हो जाएगा नीचे 3। देखो सब में 3-3 है ना, ऊपर का 1, 1, 2, 3 जुड़ जाएगा, 3/3 ये कट के फाइनल 1/1 = 1 आएगा, 1 आएगा ना। और 27 का पावर 1 करोगे तो उसका मान 27 आएगा। ये बात समझ में आई? जल्दी से नोट कर लो, इतना फट से छाप लो, तुरंत आगे चलते हैं। देखिए कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन हम उनका कमेंट नहीं बोलेंगे चूँकि हमारे पास बहुत सारी बाध्यताएँ हैं टाइम का, है ना। अब आगे देखना, 1, 2, 3 बार है ना, ये 3 बार है, तो ये 27 का पावर 1/3 इसका आप क्यूब कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना। इक्वल क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? हमने ये पूरा जो लफड़ा था इसकी जगह पे इतना लिख लिया, ठीक, और जो लास्ट में फाइनल 27 आया था उसको यहाँ लिख लिया। इसमें कोई झंझट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एका काहे छोड़ दिए, तो इसी को ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो। इसको ले लोगे तो क्या होगा? ये 1, 2, 3 बार है ना, तो 3 बार है तो घात 3 तो लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हो कि नहीं, बात समझ में आई ना। तो कुल मिला के इसी के बराबर तो ये आया है ना, तो हमने यहाँ से लिया तो क्या बुराई किया? आप देखना इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ का घन कर दो, दोनों तरफ का घनमूल करने पर, दोनों तरफ का जब घन करोगे तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3 इक्वल 27 पे क्यूब रूट लग जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, फाइनल में 3 आ जाएगा। यहाँ पर जरा आप गौर करिए कि संख्याओं को हम घात रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अब मत डरना कहीं पर, अगर कहीं वर्गमूल लगा है, अभी मैं हटूंगा आगे से, नोट करना जिसको लिखना है, टेंशन मत लेना। अगर 27 का पावर यहाँ क्यूब लगा है इसका मतलब 3 होगा, अगर कहीं 27 का पावर 1/3 लगा है तो इसका मान 3 लिखने में बिल्कुल संकोच मत करना, बात समझ में आई ना। अगर ये घात 1/2 लगी है तब ही कुछ और होगा, दोनों अलग अलग होता है। रुकिएगा अभी 1 मिनट रुकिएगा, इसको छाप लो जल्दी जिसको छापना है। हो गया, जल्दी लिखिए। देखो नोट्स बनाओगे तो बहुत खुशी में रहोगे, नहीं बनाओगे तो फिर आपकी मर्जी, ठीक ना। और इसे आप व्यापक रूप में भी लिख सकते हो। चलिए हम आपको व्यापक रूप का एक फार्मूला बता देते हैं। व्यापक रूप मतलब जैसे अगर 27-27 की जगह पर कोई और संख्या आ गई तो क्या करोगे? देखिए व्यापक रूप में भी सीख लो इसको, दोनों को, एक स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला, दोनों बता देंगे, ठीक है। अब लिख लो व्यापक रूप में। व्यापक रूप का मतलब जानते हो, जैसे कहते हैं ना, अगर अब बिस्किट बनाना है तो आप अपने घर में पहले उसका एक तरीका सीख लिए, उसके बाद सैंपल लेके आए, फटाफट अपने घर में बना लिए। लेकिन अगर आपको व्यापक रूप में बनाना है बेचने के लिए तो क्या करोगे? देखिए यहाँ पर हम आपको व्यापक रूप में बता दे रहे हैं, मतलब अभी तक तो आपने 27 देखा, 16 देखा, लेकिन अगर 29 आ जाए, 48 आ जाए, कुछ और भी नंबर आ जाए तो कैसे करोगे? ये व्यापक रूप मतलब व्यापारिक रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। x की जगह पर आप दी गई संख्या रखेंगे, जो भी संख्या होगी, ठीक है, कुछ भी संख्या, जैसे 48 हो गया, 42 हो गया, 46 हो गया, तो आप क्या करेंगे, 48 की पावर 1/2 इक्वल अंडर रूट 48, ठीक है।
ये हो गया व्यापक रूप किसका, स्क्वायर वाले का। जल्दी से नोट करो घात दो वालों का। अब हम घात तीन वाले का व्यापक रूप आपको दिखा देते हैं। घात तीन वाले का व्यापक रूप मतलब जो सूत्र होता है संक्षिप्त में, उसको देख लो जल्दी से, ठीक है? हो गया इतना ना, नोट कर लिए? तो व्यापक रूप देख लो घात तीन वाले का, मतलब क्यूब वाले का। ये तो स्क्वायर वाले का हो गया। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना अगर समझना है तो, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, नहीं तो अभी हम आपको नंबर देंगे उस पर आप संपर्क करना। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब x की पावर 1 होगा, फाइनल में इक्वल x आएगा। कैसे? अभी दिखाया था ना, 1/3, 1/3, 1/3, 3 बार जोड़ोगे तो 1 आएगा, जोड़ लेना। अब ये x की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा। काहे हो जाएगा? चूंकि देखो 1, 2, 3 बार लिखा है ना, वही चीज़ सेम टू सेम। अरे बाबू ऐसे होगा, जैसे 2×2 3 बार लिखते हो ना, अगर 3 बार लिखा है तो इसको आप 2 की घात 3 लिख देते हो ना, तो बस वही तरह से उसको भी किया गया है। तो फाइनल में इसके सामने जो था यक्स वैसे हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ का क्या करेंगे, घनमूल कर देंगे। दोनों तरफ का घनमूल करोगे तो ये ऐसे बचा रहेगा, इक्वल हो जाएगा ये, ओ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 3 घात लिखना मत भूलना। तो बस आ गया, यही हो गया फाइनल में। ये हो गया व्यापक रूप, यानी कि अब आप इसमें एक्स की जगह पर कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक ना? जैसे अगर इसे आप कर दो 144 की पावर 1/3 इक्वल ये क्यूब रूट में 144, तो इसमें कुछ गलत नहीं। मतलब समझ गए ना? जिसको लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको बता दें कि